असल नाजरीन, आपका मेजबान इजाज राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जॉइनिंग आ चुकी हैं, काजी साहब जा चुके हैं, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, बुशरा बीबी रहा भी हो चुकी हैं और खासतौर पे जो आईनी तरमीम थी वो भी मंजूर हो चुकी है और पास भी हो चुकी है। तो इसी पे आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA शौकत अजीज भट्टी साहब, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है मुबशर लतीफ अब्बासी साहब ने, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। तो सबसे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, ये बताएं सर कि नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, नए चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? पर इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, हर किसी की यही उम्मीद होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो आ गए हैं जी जी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जुडिशरी के जितने दाग धब्बे पहले लगे हैं उनको धोकर जुडिशरी के मेयार को मजीद अप लेकर जाएंगे। अच्छा अच्छा भट्टी साहब, अगर मैं बात करता हूँ, साबका बहुत से चीफ जस्टिस हैं, लेकिन अगर मैं अदलिया की बात करता हूँ तो हमारा रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं रहा। जस्टिस इफ्तार से लेके बंदयाल, फिर जस्टिस साकब निसार और ईसा साहब पे भी यही कुछ बातें हैं। तो ये जो आपने आईनी तरमीम की है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इससे पहले अगर एक बात कर दूं जी जी, कि ये वही काजी फैजी साहब है ना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरा जोर दे के तमाम इदारों की मर्जी के खिलाफ कोशिश की कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए। ये वही काजी फैजी साहब हैं जिन्हें उनके कुलीग जजों के साथ बगैर किसी वजह के रसवा भी किया गया। अच्छा, और ये वही काजी फैजी साहब हैं जिनके वालिद ने कायदे आजम के साथ मेहनत करके ये मुल्क बनाया था, अपना सब कुछ उस वक्त लगाया था, सिर्फ इस वजह से कि हमें उनके फैसलों से फायदा नहीं पहुंचे और मैं उनकी जात के साथ आज वो चले गए हैं। लेकिन जितने जो लास्ट में उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, 1000% दुरुस्त की है, वो किसी के फायदे में जाती थी या किसी के नुकसान में जाती थी। इतना बड़ा जुल्म था कि अदालतें इस मुल्क में जब कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना शुरू कर देती हैं, सबसे बड़ी कबाते भी यहीं से, दे हैव राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट हैव द राइट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जहां भी हुआ जब भी हुआ कोशिश अब एतराज वो करें जिन्होंने GITs भी बनवाई सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने थाने का काम भी लिया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का काम भी लिया, जिन्होंने जो चीजें प्रे में नहीं थी सारी मैं चुकाऊंगा नहीं, मैं बड़े खुले अल्फाज में एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छे चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह साहब, बहुत अच्छे जज थे, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था उनका। ये लास्ट जजमेंट में अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन काम जो वो कर गए कि जिस चीज की तरह ही नहीं, मैं मुकदमा आपके खिलाफ लेके जा रहा हूँ और फैसला अब्बासी साहब के हक में हो जाए जिसका जिक्र ही ना हो मुकदमे में, ये सारी दुनिया को नजर आता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और इस वजह से वो कंट्रोवर्सल हुए और ये रिजल्ट आए। चले, आप मेरे साथ ही रहिएगा। क्या कहते हैं मुबशर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको PTI के नुक्ता नजर से? देखिए जी, PTI के नुक्ता नजर से नहीं, हमने पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखना है। भट्टी साहब माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन हैं और इनका अदलिया से ताल्लुक भी है, इनके वालिद साहब भी जज रिटायर हैं और अदलिया को बेहतर समझते हैं। भट्टी साहब, मैं बताना चाहूंगा ये वही काजी फैज ईसा साहब हैं जिन्होंने, आपने कहा कि इलेक्शन कहाँ टाइम पे, तो इलेक्शन कहाँ टाइम पे हुआ, पंजाब का इलेक्शन क्या टाइम पे हुआ? आपने भट्टी साहब कहा ये वही काजी फैज ईसा हैं जो पहले कहते थे कि गुमशुदा लोगों को बाजियाब कराओ, क्या इन्होंने बहसियत चीफ जस्टिस किसी एक बलोच गुमशुदगी के बारे में बात की? क्या इनके दौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, ख्वातीन के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो इंसानी हकूक की बेसिक ह्यूमन राइट्स की पामाली की हुई, उसके ऊपर काजी साहब का क्या रद्द अमल था? आप कहें कि जो आपकी फेवर में आए वो बहुत अच्छा है, जो आपके अगेंस्ट चला जाए वो सही नहीं है? सर ऐसे नहीं है। मैं मुबशर भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया। कोई शक नहीं भाई कि इस मुल्क में इस जमहूरी सिस्टम के साथ जुल्म और ज्यादती की इब्तदा भी इसी मुल्क के जजेस के साथ 54 में शुरू हुई थी उनकी मेहरबानी से। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जस्टिस मुनीर के उस फैसले ने, जिसके दाग आज तक मेरे और आपके और आम आदमी के सीने पे लगे हुए हैं, अभी तक मिट नहीं रहे। और जिस जिसने भी इसमें हिस्सा डाला, ऐसे भी चीफ जस्टिस है जिसके लिए शायद उस वक्त मुबशर भाई भी शामिल थे और मैं भी शामिल था, तरीके भी चलाई उनके हक में, लेकिन उन्होंने भी डिक्टेटर को ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का इख्तियार दे दिया। लेकिन वो मसूद मुख्तार लिखते हैं
थे, मैं बैठा था मस्जिद की सीढ़ियों पर और मस्जिद के मीनार ने मेरे कान में बड़े झुके बड़े पते की बात कही कि हक की जगह कायद जहाद की जगह जमूत और मिलत की जगह मसलक अजीज हो, जिंदगी को मौत से खौफ आने लगे और मुसलमान को जिंदगी से प्यार हो तो छतियां इसी तरह गुजर जाया कर। इसमें जो गुजर गया अब करना ये चाहिए कि हम इसे बेहतर किस तरह कर सकें। अगर पिछली बातों को रोने पे पड़े इल्जाम लगाने पड़े तो मैं बहुत सारी बातें मैं भी बता सकता हूं भाई। अगर इसके अलावा भी तो तीन चार जस्टिस मिसिंग पर्सन के लिए उन्होंने क्या किया, साकम इंसार साहब का क्या रोल था, बंदियाल साहब का क्या रोल था, खोसा साहब का क्या रोल था, और जब भी कहीं इस मुल्क के लिए किसी डेमोक्रेटिक किसी जमहूरी निजाम की बका की बात आई हमें को खैर की खबर अदालतों से नहीं मिली। लेकिन एज फार एज मौजूदा चीफ जस्टिस की जात है एक अच्छा रिकॉर्ड है, हाईली क्वालिफाइड आदमी है और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल है कि अल्लाह करे कि ये जुडिशली के मियार को मकाम को कायम दायम रख के इस मुल्क के और नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल में। अच्छा बड़ी साहब ने ये बताया कि जैसे हमारे सियासतदान हैं ये अपने देखे सियासी मफादात के लिए अदारों को भी इस्तेमाल करते हैं अदालतों को भी इस्तेमाल करते हैं, आज अगर स्टैब्लिशमेंट हम पे मुसल्लत है तो वो भी शायद हमारे सियासतदानों का कसूर है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि सियासतदान इसमें कितना इन्वॉल्व है? सर सियासतदान जब अपने अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, जब मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक टेबल पे बैठी थी मैच तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट चला था, अगर इमरान खान साहब टॉकिंग टर्म में होते और सियासी अंदाज से मामला को डील करते तो शायद ये हालात नहीं होते। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी गलतियां नहीं है, हमारी गलतियां जरूर है जिसकी वजह से ये हालात हम देखते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ हम ये कहें आपको इराक से आपको लीबिया से आपको मिस्र से इजिप्ट से सबक सीखना चाहिए कि जो अपने शेरों को मारते हैं गैरों के कुत्ते भी उन्हें जीने नहीं देते। हम इसमें मामलात को हम उस तरफ मत लेके जाएं कि हम अपने अगर तो भाई खिड़की खराब हो जाए ना चेंज कर लेते हैं, दरवाजा टूट जाए तो नया लग जाता है, जब छत गिर जाए ना तो फिर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। क्यों जी मुबशर साहब देखे अजीज साहब ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोग खुद ही जो है ना हमारी भी वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि गलतियां हैं, इसी तरह आपकी भी हुकूमत में बहुत सी आपसे गलतियां सरजद हुई हैं, आपने भी अदारों को इस्तेमाल किया, आपने भी इंतकाम की सियासत को फरोग दिया, क्या कहेंगे आप? सर देखें भट्टी साहब ने जिस तरह कहा कि गलतियां उनसे भी हुई हैं, गलतियां ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हुई है या नहीं हुई, हम सबको जिस तरह भट्टी साहब ने कहा जरूरत इस अमर की है कि हम सबको आगे मिल बैठ के सोचना चाहिए कि यार जमहूरियत किस तरह परवान चढ़ेगी, क्या जमहूरियत इस तरह परवान चढ़ेगी। लेकिन सर आप मिल बैठने को तैयार नहीं है, आपके खान साहब किसी टेबल पे आते ही नहीं है, वो तो कोई सर खान साहब टेबल से आए किसके साथ आए मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं इस टाइम खान साहब किसके साथ आए, आपके मुल्क में इलेक्शन हुआ क्या ये फेयर इलेक्शन था, आप मुझे बताएं ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं आप पूरे पाकिस्तान की आपको इलेक्शन की सूरत हाल पता है, जिस तरह फॉर्म 45 और 47 किया गया तो ये क्या इन लोगों के साथ बैठा जाए या उन लोगों के साथ बैठा जाए जिनकी डिक्टेशन पे जो है ये मुल्क चल रहा है? तो सर जमहूरी लोग जब इक्तदार में होंगे जमहूरी तरीके से मुल्क चलाएंगे मुल्क तभी तरक्की करेगा। हमारे साथ भारत आजाद हुआ आज से हम और वो एक ही दिन बने, क्या आप मुझे बताएंगे कि उनके जो है वो डिक्टेटर्स कौन है, क्या आप मुझे बताएंगे कि उनका आर्मी चीफ कौन है, और क्या हमारे मुल्क में आज आप कहते हैं जी जमहूरियत है ये सो कॉल्ड जमहूरियत है, आप मुझे बता दें पिछले 2 साल इंटरिम गवर्नमेंट में या अभी इस 6 माह की हुकूमत में कौन सा फैसला है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले रही है, मुझे बताएं 26वीं आईनी तरमीम क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की, इनके तो वजीर कानून साहब ने बरमला कह दिया कि यार मेरे पास तो अभी तरमीम आई नहीं है मैं आपको बताऊं क्या। तो सर इस तरह नहीं होगा, हम सबको सीखना होगा और हम सबको आगे के लिए मुस्बत सोचना होगा कि मुल्क जमहूरियत पे चल सके, जिनका काम है इस मुल्क को चलाना वो सियासतदान है, चाहे वो भट्टी साहब चलाए चाहे मैं चलाऊं मेरी जमात चलाए या जो है पीपल्स पार्टी चलाए या जमात इस्लामी चलाए, लेकिन उन जमहूरी कुव्वतों ने चलाना है, तो इस चीज के लिए जरूरत यह है कि सारे जो है जमहूरी कुव्वत होने का पहले सबूत दें। अच्छा अच्छा भट्टी साहब जैसा ये फॉर्म की बार बार बात होती है 45 47 ये आपका मोहतरम के, मैं अपने भाई मोहतरम भाई साहब के जवाब में एक बात अर्ज कर दूं जो शायद मेरे और उनके बद से ऊपर की बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस अमेंडमेंट में पीजीआई भी हमारे साथ शरीक थी, उन्होंने अमेंडमेंट करवा दी, हमने मोहतरमा को रिहाई दे दी, तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो हमने पूरी कर दी, इन्होंने हमारे साथ पूरी कर दी, मैं इनका शुक्रगुजार हूं।
अच्छा अच्छा बट्टी साहब, चले आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग भी आपके साथ शामिल थे, लेकिन खबर ये भी तो है ना कि वो लोग जबरदस्ती उनको शामिल किया गया आपके साथ, कुछ को उनका तो मैंने जो चालान किया वो मिलते हैं या नहीं मिलते, वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साथी भाई हो, बड़े भाई तरफ बात कर रहे हैं जमहूरियत की, दूसरी तरफ जो है ना लोगों को आदिल भाई मेरा भाई है, उसके साथ जो आपने किया आप बलोचिस्तान में दिन दहाड़े उसमें एक अरब का गिरा दिया गया। अच्छा चले बट्टी साहब, बट्टी साहब चले आप पहले बात कर रहे थे भाई, मैं कथा क्लाब में एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, मैं रस्ते में रुका हूँ आपसे बात करने के लिए, तो वो भी थोड़ा बजाने में, तो मैं इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी में भी था, तो किसी जगह पहुंचना था, कहीं सिग्नल ही ना ड्रॉप हो जाए, इस वजह से मैं गुस्ताखी माफी चाहता हूँ, आपकी बात को काट रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, आप बात करें, सारी बातों की एक बात है भाई, हमें सियासत सब चीजों से अजीज, ये मुल्क है और मुल्क के बाद वो इदारा, लेकिन हमें अपने अपने पैरामीटर में रह के सारे काम करें ताकि इस मुल्क को किसी किनारे पे हम पहुंचा सके। ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ जब भी कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कोई ना कोई साजिश हो जाती है, और जब आज और उस वक्त को देखें जब 60 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डॉलर था, और आज के हालात देखें, ये बीच में 3.5-4 साल का जो एक्सीडेंटल पीरियड आया, जिस तरह हमें ये कॉम 45-47 कहते हैं, हम इन्हें भी आरटीएस की पैदावार कहते हैं। बात यह है कि मेरे घर आए तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके घर जाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अल्लाह करे कि हम सबको अपने अपने डोमेन में रहकर इस मुल्क को कौम की खिदमत करने का मौका मिले, और हम करें, हम रोजे मैशर इस बात की जवाब दें। इस मुल्क का गरीब अवाम सियासतदानों से अब उकताता जा रहा है क्योंकि उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, और जब आप थे तो कहते थे जब ये रोडें बंद कर दें तो मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, तो हर रोज आप काल देंगे तो ये गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, कोई उनकी तरफ भी सोचे, मैं अपनी तरफ आप अपनी तरफ सोचते रहेंगे, हालात इसी तरह रहेंगे भाई। अच्छा सियासतदान जंग करके, सियासतदान सूबों से सेंटर फतह करके हुकूमत नहीं चलाया करते, सियासतदान बैठकर डायलॉग से मामलात को हल करते हैं, और सारे मुश्किल मरहल के दुनिया में जितने फैसले हुए सारे डायलॉग से, किसी का फैसला जंग पे आज दिन तक नहीं हो सका। चले ठीक हो गया बट्टी साहब, चले मैं बच्चा साहब के पास होगा। बच्चा अब एक बात तो बट्टी साहब सही कह रहे हैं कि जंग से कोई भी जो है ना वो मसला हल नहीं होता, आखिर जो वे है वो मुज़ाकरात हैं, तो क्यों नहीं आप इस तरफ आ जाते मुज़ाकरात ना करने की वजह से। देखिए आपकी पार्टी भी मुश्किलों में है, आपके लोग भी मुश्किलों में हैं, और आवाम तो है ही है, आए दिन आप हड़तालें करते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सिग्नल गायब हो जाते हैं, इससे देखिए आवाम को भी तो तकलीफ हो रही है ना। सर देखें, आपने बात की, बट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का चेहरा दिखाया, और बड़ी अच्छी चीज है, हम सब की सोच यही है कि पाकिस्तान फले फूले। लेकिन बट्टी साहब, ये हमारे दौर में भी एहतजाज होता रहा, हमने तो अभी कंटेनर लगा के सड़कें नहीं बंद की, हमने तो रोड ब्लॉक नहीं की, हमने तो एहतजाज करने वालों को कभी जो है ना उनके घरों से खवातीन को नहीं उठाया। मुझे बताएं, मौलाना साहब आए पेशावर मोड़ पे बैठे रहे, आप और आपके लोग आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, किसी बंदे के साथ हमने तो ये नहीं किया। लेकिन आज जब एक जमहूरी हक है हर बंदे का, आप भी सियासत करते हैं हम भी करते हैं, एहतजाज हर बंदे का जमहूरी हक है, एहतजाज की कॉल देते ही क्यों पूरे मुल्क को आप कंटेनर लगा के बंद कर देते हैं। सर ना करें, एहतजाज करने दें, आप एहतजाज के लिए एक जगह मुख्तस कर दें, वहां पे आके लोग एहतजाज करें, लेकिन आप कहते हैं कि एहतजाज भी ना करें, आप कहते हैं जी डायलॉग भी करें। दूसरी तरफ आपने पिछले 2.5 साल में जो जुल्म और बर्बरियत तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, आम शहरियों के साथ, ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, लोगों के घरों की चादर चारद्वारी आपने पमाल की, उसके बाद आप कहते हैं जी टेबल टॉक करें, उसके बाद टेबल टॉक किस तरह हो सकती है? एक तरफ आपके घर के अंदर कोई घुसे और दूसरी तरफ कहें कि आपके साथ बैठ के टेबल टॉक करें, तो इस तरह सर नहीं चल सकता। आपको भी अपना रवैया देखना होगा। आप काजी साहब के इन्होंने कसीदे कर दिए, ठीक है मेरे बड़े भाई हैं, उनको अदलिया पे बड़ा अबूर है, मैंने पहले जैसे बात की, लेकिन काजी साहब की जो गलत चीजें आप मेरे ख्याल में आपको बेनिशान किया था, आप उनको भी आप देखें जी, काजी साहब ने देखे ना फैसला दे दिया जी, बल्ले का निशान नहीं, और 6 महीने बाद कहते हैं मेरा ये फैसला नहीं था। भाई जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हो गया, 6 महीने तक आपको इलेक्शन कमीशन को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा ये फैसला नहीं था, क्यों आपने जब 11 तारीख को फैसला दिया तो 12 तारीख को आपको बुला के क्यों कहा नहीं कहा कि मेरा ये फैसला है? आपने हर वो चीज काजी साहब ने मुल्क को डिरेल करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के जो है उन पिच पे खेलने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बात यह है कि सर इस मुल्क में रहना सियासी लोगों नहीं है,
किसी भी बंदे ने जिसकी एक मियाद फिक्स है नौकरी की, उसने नहीं रहना, आशीर्वाद उसकी जिस जो मर्जी ले ले, हर किसी ने जाना है। यहाँ पे जिया लग भी गया, यहाँ पे मुशर्रफ साहब भी गए, काजी साहब भी गए, चीफ साहब ने भी जाना है, रहना आपने और हमने है भट्टी साहब। तो इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम वो कुछ करें जो हम लोग खुद कल बर्दाश्त कर सकें। मुझे बताएं क्या जियाउल हक के बाद, भुट्टो की जो है सजाए मौत के बाद, शहादत के बाद, पीपल्स पार्टी पे कोड़ों का और उनके कारकुनान पे बहुत ज्यादा सख्ती आई, उसके बाद पिछले 40 साल में ये पाकिस्तान में कोई रवायात आई जो पिछले 2 साल में हो रहा है भट्टी साहब आपके इर्द गिर्द में, क्या कभी लोगों की, हमने भी 3 साल दौरे इकदार किया, ठीक है कुछ लीडर्स के ऊपर हुआ होगा, लेकिन क्या इस तरह वर्कर्स के अंदर, आम शहरियों के घरों पे, माओ पे, बहनों पे, ख्वातीन पे इस तरह का तशद्दुद हुआ है? साल साल डेढ़ डेढ़ साल से ख्वातीन जेलों पे है। बड़े मजे से आपने कह दिया जी बुशरा बीबी को आपने रहा कर दिया। सर बुशरा बीबी ने 267 दिन जेल में गुजारे हैं, ना बुशरा बीबी के जो है ना प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना बुशरा बीबी बीमार हुई है, ना उसने लंदन जाना चाहे, बुशरा बीबी ने जो है ना मुकाबला किया है और वो खड़ी रही है, उस पर 9 पर्चे कोर्ट्स ने डिस्चार्ज किए हैं। आपने तो घटिया तरीन तारीख का एक इद्दत केस किया जो इस्लामी तारीख में कहीं नहीं मिलता, पाकिस्तान की तारीख में इतना घटिया केस नहीं है। आपने बुशरा बीबी पे वो केस किया, उससे भी अल्लाह ने उसे सुरखरू किया। तो इस तरह ना करें सर भट्टी साहब, जब आप मुफामत की बात करते हैं तो ताड़ी दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बचती। ठीक हो गया, क्या कहते हैं भट्टी साहब? मैं बिस्मिल्लाह करूं, जो ये जो जो इनके और हमारे एहतजाज में एक फर्क है, जब चाइनीज प्रेसिडेंट आने लगता है तो ये 126 दिन का धरना कर लेते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर आने लगता है तो ये फिर कॉल दे देते हैं। अच्छा। हमने ऐसे मौकों पर ऐसा काम कभी नहीं। चलिए सर, मेरा एक मुख्तसर सा क्वेश्चन है, अगर ये लोग एहतजाज करते हैं तो आप इतने खौफजदा क्यों हो जाते हैं? आप करने दें इनको, आप रोड ब्लॉक कर देते हैं, कर्फ्यू लग गया हो सकते हैं, ये किसी कोई प्रॉपर जगह रख लें, कोई कोई किसी पार्क में रख लें, किसी मैदान में रख लें, उधर 2 लाख इकट्ठे करें, हमें कोई इतराज नहीं, 10 लाख इकट्ठे करें, हमें कोई इतराज नहीं, लोगों को तकलीफ दें। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन आप हमें जगह प्रोवाइड ही नहीं करते, तो फिर हम क्या करें यार भाई? ये एहतजाज एहतजाज खेलते तो आज इस नौबत तक पहुंचे ना। सियासत सियासी अंदाज से करे, इस मुल्क के लिए करे, तो देर कर दे रहे हो। अच्छा, और अगर सियासी आप वो महाज पता करने के लिए करेंगे और चढ़ाइयां करेंगे तो फिर यही रिजल्ट होगा भाई, जिन्होंने इस मुल्क को बचाना है उन्होंने बचाना है, जिन्होंने बचाना है इन्होंने नहीं बचाना। सही है बेटी साहब, वैसे क्या समझते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब 5 साल, वैसे पाकिस्तान की तारीख में तो शामिल नहीं है, लेकिन क्या शहबाज साहब 5 साल पूरे कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता। आप भी मुतमिन नहीं है कि 5 साल आप गुजारे या नहीं? ये 20 साल के चक्कर में थे, ये 20 साल के चक्कर में थे, आखिरी 2-3 महीनों में एकदम चेंज आई, ये तो अगले 20 सालों के चक्करों में थे। हम उस वक्त तो इस बात पे हुआ ही नहीं, हमारी लीडरशिप तो नहीं चाह रही थी उस वक्त भी आना, और हालात नहीं थे, सूट नहीं करते थे, लेकिन मामला एक बात चले, एक बात तो आप एडमिट करेंगे कि आपको जबरदस्ती हुकूमत दी गई, वैसे कहा यह जाता था कि आप इंटरेस्ट नहीं थे, बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, और मियां साहब भी मेरे ख्याल में दोबारा इंग्लैंड चलेंगे या शरीयत? अब बट्टी साहब उनके रहे हैं, उनका कारोबार उधर है। अच्छा, कारोबार पहली बार तो नहीं गए। अच्छा अच्छा अच्छा, खैरियत से गए हैं, कारोबारी वजूहत की वजह से? नहीं, कारोबार उनके बच्चे करते हैं, वो नहीं करते, वो अपना कुछ चेकअप वगैरह कराने उन्होंने सोचे, वो अमेरिका भी जाएंगे। जी जी जी, वापसी वापसी का कोई इम्कान है? बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया जा रही है, अगर वो चले गए तो बिल्कुल जाती है, वो चले गए हैं चले कोई नहीं, लेकिन क्या वापस आएंगे? क्यों नहीं आएंगे सर? अच्छा चले जी, मुबशर साहब वो आएंगे वापस, आप क्या कहते हैं? आप भट्टी साहब ने देखिए, मियां साहब को जिस तरह उन्होंने तहरीके इंसाफ के अरकान को अगवा करके रखा हुआ था 26वीं आईनी तरमीम के लिए, इसी तरह उन्होंने मियां साहब को भी बाउंड करके रखा हुआ था, जब तक तरमीम नहीं होती जनाब आप नहीं जा सकते। आपको याद होगा 2 माह पहले मियां साहब जा रहे थे, टिकट हो गए थे, लेकिन मियां साहब को रोक लिया गया और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी इजाजत में हुई है, उन्होंने रुकना था उस वक्त, तो अब वो चले गए हैं। अब भट्टी साहब को देखना ये है कि
दस पंद्रह दिन बाद अगर मियां साहब कोई नया बयानिया लाते हैं, जिसका 2017 में वोट को इज्जत दो का बयानिया था, अगर मियां साहब अब लंदन से बैठ के वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो भट्टी साहब क्या मियां साहब के साथ खड़े होंगे या मरियम बीबी और शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे? अब सवाल ये है, वो पार्टी के कायदे हैं, वो पार्टी के कायदे हैं, उन्होंने हमेशा इस मुल्क की बेहतरी सोची है, बिल्कुल तवक्को नहीं करेंगे वो किसी खाना जमी की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे, इंतजार वो हालात ऐसे पैदा करने के, और वो इस मेहनत पे गए कि इस मुल्क के लिए कुछ आए ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सके। आज भी उनका एहतराम करती है, तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने साबित किया बहुत सारे इकदाम से कि वो जब भी हालात इस मुल्क के फाइनेंशियली करंट में हुए तो मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को पांव पे खड़ा किया। जब आज भी मुश्किल हुए, मियां साहब इलाज करने लंदन चले गए 40 साल से, लेकिन पाकिस्तान में है, इलाज लंदन में है। उस वक्त शायद वो चाहते नहीं थे भाई, सीधी सी बात है, उस वक्त चाहते नहीं थे। अगर उसमें आप हमें कसूरवार ठहराते हैं तो अपनी मिनिस्टर जो हेल्थ मोहतरमा पंजाब से, उन्हीं से पूछ ले, उसका रिपोर्ट है तो वही पड़ती थी। देखे ना, प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाते हैं जेल में जाके, हफ्ते बाद यूके के जाके बिल्कुल ताजा नहीं होता, गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ना सलाम है उस मर्द मुझे, तो प्लेटलेट्स गिरे, बीमार हुआ, नकार गया था निकला बटी साहब। लेकिन लेकिन मुबशर साहब देखिए, ये भी तो है ना कि प्लेटलेट्स चले उनके अगर कमजोर हुए थे तो एक तो आपकी हुकूमत का भी कसूर है, दूसरा पीछे कुछ और ताकतें थी जो मियां साहब को बैठने वाली। सर हम ये कह रहे हैं तजर्बा कर चुके हैं, सुधारा उन ताकतों से पीछे हटे, मुल्क के लिए बैठे। अच्छा चले बटी साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी सीएम भी सुना कुछ अर्से बाद मुल्क से बाहर जा रही है, और अगर पंजाब हुकूमत की बात करता हूँ तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं सर? वैसे कि मैं, ये हमारे साथ सूबा है, इसकी तीन चार चढ़ाइया इस्लामाबाद के अलावा कोई एक काम बता दें, 9 महीने 10 महीनों में जब से इक्तदार में है, कोई आपको उधर से कोई प्रोजेक्ट कोई आवाज आई हो पब्लिक वेलफेयर की? चलिए सर, उनको तो अपनी भी खबर नहीं है, वो तो बात है के चक्कर में, लेकिन आप तो सकता हूँ गरीबों के लिए घर दिलवा सकता हूँ, 15 लाख का कर्जे बगैर सूद के, सोलर सिस्टम, अपना एंडोमेंट फंड, स्कॉलरशिप फंड, मैं तो आपको बहुत सारी स्कीमें गिनवा सकता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, चलें ये काफी चीजें हमने देखी हैं, मीडिया में भी आप उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ तक है? मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई। अच्छा, कल आज वो किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी 10-10 लाख पे सब्सिडी की ट्रैक्टर स्कीम की कुरानदाजी हो रही है, और मजे की बात यह है कि इन सारी स्कीमों में कोई पॉलिटिशियन का, एमपीएस, एमएनएस का कोई कोटा नहीं है, ठीक है, कोई सिफारिश नहीं है, सारे मामला ऑनलाइन है, उसमें कोई किसी एमपी एमएनए का कोई अमल दखल नहीं है, किसी मिनिस्टर का कोई कोटा नहीं है, ठीक हो गया, उसमें कोई जिसने वोट दी है या नहीं दी, जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू की है उसमें कोई इस अमल दखल किसी सियासी सिफारिश का नहीं, कहीं आपको करप्शन नजर नहीं आ रही? उसका एक जनरल क्राइटेरिया है, जो सब्सिडी हमने बिजली पे दी है उस पर जनरल क्राइटेरिया था, हर बंदा फायदा उठा रहा है चाहे उसका किसी जमात के साथ ताल्लुक है, ठीक है, 9 महीने में फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बुरी हो कि सेंक्शन आपको पेमेंट ना मिल रही हो, गवर्नमेंट चलन दिनों के खर्चे आपके पास हो, महीनों की तनख्वाहें आपके पास हो, उस पर रिलीफ देना और इन हालात में कुछ बेहतरी की तरफ ले जाना, मैं समझता हूँ ये लीडरशिप क्वालिटी और वो मोहतरमा मरियम ने दिखाई। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, मैं फ्यू सेकंड के लिए चलें, बच्चा साहब ओनली 2 सेंटेंस में क्या कहते हैं? चले सर, मैं बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ। उन्होंने मरियम बीबी की, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा साहब की कारकर्दगी पे रोशनी डाली, उन्होंने बात की किसानों की, तो जनाब भट्टी साहब आप भी जो है ना एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे लोगों का जरिया माश जो है ना यही है, ज़राअत है, तो पिछले 6 महीने में जिस तरह पंजाब में किसान रुल गया, आपको भी पता है मुझे भी पता है, पाकिस्तान की तारीख में किसान इतनी बुरी तरह बर्बाद नहीं हुआ,
ठीक है, भट्टी साहब बात यह है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, हमने खाली टिकटॉक सोशल मीडिया पे नहीं करना। क्या किया आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सोलर प्रोजेक्ट अली अमीन गंडापुर लॉन्च करता है, 3 दिन बाद उसे कॉपी किया जाता है पंजाब में। यतीम बच्चियों की शादी का प्रोजेक्ट अली अमीन गंडापुर लॉन्च करता है, 3 दिन बाद उसे टिकटॉक पे लॉन्च किया जाता है पंजाब में। लेकिन फर्क ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने वफाक में टीवी चैनल्स को इतना अरबों रुपए की एड्स नहीं दिए हुए कि वो उसके पब्लिसिटी करें। आपका प्रोजेक्ट होता है, आपके सेक्रेटरीज ये कह रहे हैं कि जनाब पिछली तख्तियों पे दोबारा तख्तियां लगाई जा रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत आपके पास है, वो मीडिया को फंड दे रही है, मीडिया को एड्स दे रही है और उसकी पब्लिसिटी हो रही है, फिर कहने पे मजबूर हो जाती है सीएम साहिबा के टिकटॉक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वाकया सर टिकटॉक के लिए मेहनत हो रही है, बाकी भट्टी साहब आपने और मैंने इस मुल्क में रहना है, अल्लाह करे ये मुल्क जो है बेहतर हो, इसकी बेहतरी के लिए हम सारों को मिलकर, आप मेरे बड़े हैं मोहतरम है, हम सबको सोच जमहूरी रखनी होगी और जमहूरी सोच जमहूरी लोगों के साथ आती है। 8 महीने की आपने कहा कि सूबे में आई जो 8 महीने सूबे का ये हाल था, तो जनाब उससे पहले भी 2 साल आपकी हुकूमत थी, इमरान खान ने कुछ नहीं किया 3.5 साल में, लेकिन इमरान खान 6.4 जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गया था, इमरान खान ये हाल मुल्क का नहीं छोड़ के गया था, इमरान खान को पूरी दुनिया एडमिट कर रही है। सवाल कहीं हम अगर प्रोग्राम को तूल दें तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन हम इसको वाइंड अप करते हैं। बस भट्टी साहब आखिर में क्या कहेंगे सर? आखिर में यही कि अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इस मुल्क के गरीब आवाम की सुनी जाए, उनके हालात बेहतर हो। बट्टी साहब थैंक यू, बट्टी साहब थैंक यू वेरी मच, अल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया, बट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी, सिर्फ इस बात की हमें जरूरत है कि हम हॉनेस्ट और मुखलिस होकर इस मुल्क के लिए कुछ करें, चाहे वो सियासतदान है, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अदलिया है। जब हम ईमानदारी से अपनी खिदमात अंजाम देंगे इस मुल्क के लिए, तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क भी जनरल नजीर बन सकता है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।